लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव दोपहर के साथ मैं हूं सुधा, आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता। मोबाइल चोरी के आरोप में गुस्साए लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना आसनसोल कुल्टी थाना इलाके के नियामतपुर में घटी। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। बस में मोबाइल कैसे तुम दिया? नहीं किया तो मोबाइल कैसे आया? मोबाइल गिरा था। मुर्शिदाबाद के बहरमपुर से भारी मात्रा में हथियार सहित पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सोमवार सुबह मुर्शिदाबाद के पुलिस सुपर मुकेश कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने कुछ पास्ट में सीजर किया है, जिसमें काफ़ी मात्रा में आर्म्स एमिनेशन सीज किया गया था, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो उन्हीं केसेस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को कुछ लीड्स मिले थे। उस लीड्स को फॉलो करते हुए हम लोग एक नदिया का एक बाशिंदा जिसका नाम है धीरेन हल्दर, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। कल उसको हम लोग अरेस्ट किए हैं बहरमपुर पुलिस स्टेशन मोहना बस स्टैंड, और उसके पास से हम लोगों को भारी मात्रा में आर्म्स एमिनेशन बरामद हुआ है। अपनी बहन के साथ भारी वर्षा में खेलने के दौरान 1.5 साल का बच्चा ड्रेन में गिर पड़ा, जिससे सुजीत भगत नामक बच्चे की मौत हो गई। यह घटना रायगंज शहर के उत्तरा कॉलेज पाड़ा इलाके की है, जहां घटना के बाद से परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। क्यों हुआ घटना? ব্যাপারটা হঠাৎ করে শুনলাম যে একটা বাচ্চা নাকি জলে পড়ে গেছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম ওখানে। যাওয়ার পরে যথারীতি আমরা লোকজন নামালাম, নামিয়ে খোঁজার চেষ্টা চলছে, এখনও আমরা চালাচ্ছি খোঁজটা, এবং আমরা প্রশাসনকেও জানাচ্ছি, জানিয়ে আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি। আর হয়তো 1.5 বছরের বাচ্চা কোথাও চলে যেতেও পারে, আবার না যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি। ফিলহাল ইস বুলেটিন মে ইতনা হি, হামে দিজিয়ে ইজাজত, নমস্কার। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।